सीएम शिवराज ने धर्मांतरण और जाकिर नाइक के मामले को लेकर कहा कि प्रदेश में ना तो लव जिहाद चलेगा और ना ही मन धर्मांतरण को चलाने देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है और इस मामले को हमने गंभीरता से लिया है। मामले में सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी से मिलकर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जाकिर नाइक को लेकर लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है, एटीएस सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर काम कर शांति दूत कहने वाले थे। हम पहले से कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं, ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य है, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु है एसआईटी पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा।